मुलाकात नसी ली जान। अरे ताऊजी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ताऊजी बढ़िया? बढ़िया फर्स्ट क्लास। और लल्ला तुम कैसा है? ताऊजी एक बात बताओ, मैं तो बढ़िया हूँ। हाँ। एक बात बताओ। हाँ। आप ऐसे मुस्कुराते रहते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इतना कैसे मुस्कुरा लेते हो जबकि आपकी तो शादी भी नहीं हुई? अरे बेटा क्या करें, शादी हुई ना तो क्या फिर रोना शुरू कर दें? भाई जीवन तो हंस के ही बिताना है। ताऊ जी तब मैं आपकी बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ कि इतनी उम्र तक और आपने अकेले जीवन काट भी लिया। नहीं उम्र कोई, अरे बेटा इतनी उम्र अभी कोई ज्यादा थोड़ी है। उम्र ज्यादा ना, इतनी उम्र हो ले। कितनी उम्र होगी? ऐसी हुई ज्यादा 28, 29, 30, 35 मान ले। कम से कम इतना तो झूठ बोलो जो चल जाए आपका। कम से कम मेरे हिसाब से आप 60 से नीचे के नहीं है कहीं भी। है? अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, 60 की? हाँ। मेरी? हाँ। ए, अभी मुझे तक तो इतना ही देखिए रे, देखिए देखिए अभी कहाँ ऐसे। ताऊ जी ये सब 1 रुपए का ब्लेड का कमाल है, घर पे गए और ब्लेड मार लिया साबुन लगा। ना 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 बेटा ऐसी बात ना। अरे लल्ला ऐसी बात। ताऊ जी देखना तुम्हारी मुँचो में थोड़ी थोड़ी देखिए नेक नेक कर ले तो क्या चीज है। सफेद तो हो गए सारे। कहाँ सफेद है सारी कार्य देखा, सिर के भी बाल सफेद है। कहाँ सफेद लल्ला ना है। ताऊ जी देखना बेटा मैं तुम्हारी बांझी मार दूंगा अगर शादी की बात हुई। ना 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 शादी तो हुई। अरे बेटा बताइए कोई देखते कोई अगर मिल जाता कोई ताई मिले तो बताइए। अरे मोना कहाँ जा रही हो? अरे यार मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ यार, अभी कोचिंग से आ रही थी, मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? मैं ना अपने सर में दर्द करने जा रही हूँ, सच बात पूछे तो। सर में दर्द यही नहीं पता चलता मैं जा कहाँ रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। क्या तो, कहना चाहती है यार सही कहना सीखा? क्या चाहती हूँ, फिलहाल ना पैसों की बड़ी कड़की चल रही है। अब किसी की जॉब कर लो तो हाय यहाँ बैठोगी, कॉफी पे चलोगी, फिर ये चकोले रखो और उसके बाद ना जाओ तो नौकरी गई हाथ से। ये सब मेरे से ना झेला जाता सच बात पूछे तो। हाँ नहीं करेगी क्या, अगर परेशानी तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपना कुछ काम कर ले बता। हाँ ये तो बहुत अच्छी राय दी। चल इस बारे में तुझे मैं कल बताती हूँ, अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है, वो सोच के आती हूँ मैं। ठीक है चल तुझे कल मिलते हैं। ओके बाय। और ताऊ राम राम। है राम राम लल्ला राम राम। मौज ना मौज में तो। हाँ मौज में हूँ। और परेशानी तो ना कछु, जूझ बूझ सही दे रही है गैया? हाँ हाँ सही दे रही है। अच्छा और बता तो कोई परेशानी हो? अरे ताऊ परेशानी गई है, ये रड़गुन को गाँव है गए। अरे ऐसी बात ना है जाए। हाँ मेरी शादी कराई दे ताऊ। सही बता। हाँ ताऊ अब टाइम खींच रहा है, अगर तुमने और 2-4 साल खींच ली ना तो फिर याकी तो होनी ना। चल तो मैं सोचूंगा कोई लोड़ी होगी तो बताऊँ। बता अब तेरी उम्र ज्यादा है, 3 लाख। ना 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 उम्र ज्यादा ना है तो ना लगवे में लगे है वो चेहरा पे। अच्छा आ जाती तो बाहर आ जाती चेहरा पे। हाँ हाँ जी बात तो सही है, हरियाली सी तो आने लगती है तेरे लेने। सही कह रहे हो। चल तो ठीक है तू। ठीक है राम राम। राम राम कोई होगी तो बताऊँ। ठीक है साहब। अरे मोना सोचा कुछ? अरे अच्छा वो रिंकी तो मिल गई। हाँ मैं तेरे पास ही जा रही थी। अच्छा यार बता क्या क्या सोचा तूने? हाँ, क्या करना है अब? मेरी बात सुन, अगर तुझे मेरा प्लान समझ में आए तो बताइए, बता। नहीं तो फ्लॉप तो है ही फिर वो। नहीं तू बता। बात ये है कि हमारा जो इससे आगे गांव है वहाँ तूने देखा ज्यादातर ना वहाँ सारे रड़ुए हैं। हाँ यार तो सुना एक बार मैं शादी में गई तो वहाँ जितने भी बुढ़े लोग जवान लोग जो देखो हर कोई कुंवारा, पूछो कुंवारा हूँ पूछो कुंवारा हूँ, सारे जमा हो गए होंगे। हाँ रे बाप रे बाप। बस मेरा दिमाग ये कर रहा है कि हम झूठा एक ऐप बनाते हैं शादी.com वाला। अच्छा। चलते हैं कि हमारे ये फॉर्म भरो, इतने पैसे जमा करो, आपको फोटो भेजी जाएगी, आप लड़की पसंद करो, आपकी शादी करा दी जाएगी। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है और हम लोग लगते भी ऐसे ही हैं। तो हम कहेंगे हम उस शहर से आए, ऐसे ऐसे है, आप इतने पैसे जमा करो, ये फॉर्म भरो, कागज फाड़ के दे देंगे खाली पेज। राइट है तो कहे तो चले फिर। चल तो फिर कब चले? कल। अरे आज ही चल तू, क्यों ने काम में देरी करी? चल अरे चल चल। अरे हाय हाय। आप लोग पहली बार देखा है मैंने आप लोगों को, आप लोग तो नए लग रहे हो यहाँ पे। हम लोग और आप शहर लोग बाहर बाहर के भी लग रहे हो। हम लोग शहर से आए हैं और हम लोग अपने चैनल के लिए जरा हम लोग बताने के लिए आए हैं कि हम लोग क्या क्या वैरायटी दे सकते हैं शादियों में, किस लोगों के कैसी। मैं कुछ समझा नहीं मैडम आप मुझे। कुल मिला के बात ये है कि हम लोग एक तरीके से सर्वे करने आते हैं, सरकारी लोग होते हैं यहाँ पे, कौन कितना जरूरत टीका लगाने वाली हो? नहीं 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 माय गॉड आप समझ तो नहीं पा रहे हो। बताइए तो हम शादी.com से हैं, यानी कि जिन बंदों की शादी नहीं हुई है हम उनकी शादियाँ कराते हैं फ्री में।
नहीं, फ्री में कोई काम होता है आजकल? आप बताइए। मैडम अगर आप शादी करा रही हैं तो आप एकदम करेक्ट जगह आई हैं। अच्छा हाँ, और एकदम करेक्ट इस गांव में के सभी रड़वा, किसी की शादी नहीं हुई है। मैडम ट्रक भर के भी, दो ट्रक चार ट्रक भी भर के लड़की ले आएंगी तो भी आपको लड़की कम पड़ जाएंगी, लेकिन रड़ुए कम नहीं पड़ेंगे। अरे बाप, तो फिर तो ठीक है, हम सही जगह आए मैम। हाँ, इसका मतलब हम सही जगह आए। तो आपको शादी करनी है? हाँ मैडम, करनी तो है। तो पैसे लगेंगे? 5,000 रुपए फॉर्म फीस है, फिर आपको फोटो पसंद आ जाएगा तो फिर जो भी पैसा लगेगा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जी मैडम, इसके लिए हमें कुछ, मैं पैसे तो अब ऐसे जेब में तो लेके घूम नहीं रहा, लेकिन हमारे एक दो लोग और हैं उनकी शादी करा दीजिए मैडम। तो आप आगे अंदर गांव में चलिए, आप उन लोगों से मिलवाइए, आप पैसे जब तक इकट्ठा कर लीजिए। ये बराबर वाला जो गाँव है यही हमारा ऑफिस है। अच्छा, अभी हमने काम अपना स्टार्ट किया है, आप किसी भी टाइम आकर वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी है तुम्हारा वहाँ पे। अरे वो तो हम अभी लिख के ले जाएंगे ना, अभी हम आपका एड्रेस नाम पता लिख के ले जाएंगे। जमा करनी पड़ेगी, ठीक है ना मैडम? वो तो बात ठीक है, लेकिन आप कह रही थी ऑफिस ऑफिस मैडम, ऑफिस आपका कोई मतलब नहीं है, हम खुद आएंगे लड़कियों को लेके आना ही नहीं है, पहले आप लड़कों को देख लीजिए। हां, वही तो हम करने के लिए निकले हैं। आइए आप मेरे साथ आइए, सर्च कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। मैम आप लोग यहाँ बैठिए, हाँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। ओके। और ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 मिनट लगेंगे सारे लड़कों को बुलाने में। वैसे कितने लोग हैं? हाँ मैम, अभी मेरी निगाह में तो 3 से 4 लोग तो हैं। तो कोई बात नहीं, आप जितने आ जाएंगे मैं उन्हें बुला के ले जाऊंगा। ओके ओके ओके। अब मेरी बात सुनो, कम से कम 5 बंदे आए और हम एक बंदे से लेंगे 5,000, तो 5 बंदों के अच्छा खासा मतलब कुल मिला के 25,000 हो गए, आधे तेरे आधे मेरे। हाय, हफ्ते भर का तो खर्चा वहां मिले निकल गया, बस उसके बाद तो और देखेंगे। ऐसे डेली मिल जाए तो अपनी झाड़ी तो बनी जाएगी, जाएगी अभी देखते हैं। राम राम। अरे राम राम सर, राम राम, क्या हाल है? और बढ़िया हो जी? हाँ बढ़िया है। और दूध बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। अच्छा, ये चकाचक चल रहा है मामा? पलंग चलो, चकाचक चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कहाँ आ रहे हो? बस गांव पुत आ रहा हूँ। अच्छा, आजा, तुम्हारा जवाब नहीं कसम से सही बता। चाचा, ए अभी शादी हुई ना चाचा? शादी वादी है जान दे, जब कह देंगे चाचा? शादी करवाएंगे तुम्हारी, शादी करवाएंगे, जाओ तुम चिंता मत करो। अब सुनो, मेन चक्कर यहाँ है कि हमारे गांव को जन कौन ने शराब दे दी है। हाँ सही कह रहे हो, पूरा गांव रड़ुगन को है। पूरा गांव रड़ुगन को है, पूरा गांव रड़ुगन। सुनो, शादी तुम्हारी भी ना भाई, तो मेरी ना भाई। हाँ तुम्हारी ना भाई, बताओ यही बात है। मैं कहाँ से करूंगा भाई शादी? उनको देखो, हमारे चाचा ताऊ। अरे नमस्ते नमस्ते। और चुल्लन चाचा बढ़िया? राम 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 राम, बढ़िया। अरे मैं चाचा एक काम से आया। हाँ बोल। वो ऐसा है, हमारे गांव में 2 मैडम आई हैं। हैं? हाँ मैडम। हाँ मैडम। अरे अरे दिल में गदगद है। मैडम आई हैं? बात तो सुन, क्या बात है भैया? कहाँ 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 है मैडम? कुछ शादी करवा रही हैं, जिनकी शादी नहीं हुई रड़ुओं की। चाचा ओ भैया, चलो भैया, चाचा चाचा शादी? हाँ अपने घर के पास जो चौपाल है ना, बिठाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ताऊ, ताऊ अब तुम वो कर लो, तुम्हें दावत मिलने वाली है। हमारी शादी होगी, शादी होगी हमारी। कौन करवा रहा है ऐसा? अरे ताऊ ये करा रहा है लल्ला, हमारा भतीजा करा रहा है। कौन है ताऊ? दो मालूम है बहुत पढ़ी लिखी लड़की आई है शहर से, और वो 5,000 में शादी करवा रही है। और 5,000 और लड़की भर के लाए ट्रक, वो बता रहा है ट्रक भर के। ऐसा ना कौन, तुम चुतिया बन जाओ। ना 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 ना, ये भतीजा ऐसा ना है। अरे वो मैडम है पढ़ी लिखी, और उनसे ज्यादा हम कुछ जानते भी है। हम तो ये तेरी मर्जी देख ले तू। अबे छोड़ रहे हैं, उन्हें 1,000 रुपया अगर ज्यादा देंगे, हमारे गांव की गांव सबकी हो जाएगी। सारे मान जाओ, ये सब बात कौन सुनाए? जे बता मेरे को, ऐसे कोई लोग आई लोड़िया कोई मिलते हैं ऐसे है? तुम तो ये चाइना रहे हमारी शादी हो जाएगा हमें। तुम ना चाह रहे, तुम हमारी शादी ना एंड तुम ना रिश्ता तो आ रहे होंगे गो, मुझे गांव में क्यों नहीं आ रहे रिश्ता? हम खर्च कर रहे हैं तो तुम चौना है दे रहे मरोगे तुम। जाओ जाओ कर जाओ जाओ। दावत ने मत बुलाना, बुलाओ तुम, काट नहीं दूंगा तुम्हें। देखो ताऊ देखो, सारे पिटपिटा के आओगे, कौन लगाई मिल रही तुम जैसे ने। चलो चलो
मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या करा तुमने, भीड़ इकट्ठा कर दी, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सब बाहर जाइए, एक एक करके आइए, एक एक करके फॉर्म भरवाइए। ठीक है मैडम, बाहर जाओ। ठीक है मैडम जी, आइए दूल्हा नंबर वन, आइए यहाँ बैठिए। हाँ, साहब। अच्छा तो हम आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब दिए। हाँ, बोलो साहब जी। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामलाल दूधिया। रामलाल दूधिया। और क्या है आपका? हरदुआगंज गाँव। ओह हरदुआगंज। हाँ अच्छा, और उम्र बताइए अपनी। उम्र 28-30। ओह 28 साल। और बताइए। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, आप मुझे आपको मतलब बीवी किस तरीके की चाहिए? बीवी तो देखो ऐसा है, तुम अपने हिसाब से मलूक सी ढूंढ दो। नहीं देखो, बढ़िया होनी चाहिए। जैसी बीवी आप पतली मांगेंगे तो पैसे लगेंगे ज्यादा। कोई बात ना, मोटी चाहिए तो पैसे थोड़े कम लगेंगे ना। मोटी और सुंदर चाहिए और पढ़ी लिखी और पतली, सारे गुणवान चाहिए तो पैसे 3 गुना ज्यादा लगेंगे। बताइए कितना खर्चा कर सकते हैं आप? रेट तो सबके एक से रख लो, ये तो आपने अलग अलग रख दिए। एक बात बताइए, चीनी में और मिठाई में फर्क होता है या नहीं होता है? होता है। या आप हलवाई से कहोगे कि नहीं तो भैया मैं चीनी दे दी, ये वाली पेड़े वाली मिठाई रसगुल्ला सबका एक दाम कर दोगे? ना ना, तो फिर ऐसे कैसे कर देंगे आप? गलत तो गलत। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मान ली आपकी बात, मान ली। मान ली। तो आप ये बताइए आपको किस तरह की बीवी चाहिए? पढ़ी लिखी भी हो। अच्छा। पतली दुबली भी हो। अच्छा। और मलूक भी हो। अच्छा। 50,000 का खर्चा तो हो ही जाएगा। हाँ 50,000 रुपए तो खर्चे लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये फॉर्म फीस जो है 5,000 रुपए है। अभी आपको 1 घंटे बाद जमा करना। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बीवी आपको यही मिल जाएगी कल सुबह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है साहब, पूरे पैसे लेकर आइएगा। ठीक है ठीक है, तो आप जाइए किसी और को। ठीक है साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूल्हा नंबर 2। हाँ मैडम जी, आ गए। आइए बैठिए। आपका नाम क्या है? नाम है हमारा भुल्लन सिंह। भुल्लन सिंह। भुल्लन भुल्लन सिंह भुल्लन सिंह है ना सिंह। अच्छा भुल्लन सिंह भुल्लन। आपका उम्र बताइए अपनी। हमारी उम्र 25 साल की होगी। 25 साल। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 25 साल। और गाँव? हाँ। गाँव है बोरना। बोरना। अच्छा अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ बोरना में रहते हैं। बोरना 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 बोरना। मैडम जी कितना खिलवाओगी? आपका गाँव का नाम तो बड़ा सुंदर है। सुंदर नाम है, जब हम सुंदर होंगे तो गाँव का नाम क्या सुंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बजाओ। अच्छा एक सवाल और करें? करो। अभी बताओ बीवी कैसी चाहिए? बीवी चाहिए एकदम लप। लप कैसी होती है? लप होती है सुंदर एकदम। अच्छा एकदम सुंदर, दूध की तरह? दूध की तरह होनी चाहिए। अच्छा, मोटी चाहिए पतली चाहिए या चाहिए? ना ना ना, मोटी तो भाई हालत खराब कर दी हमारी, मतलब ऐसी चाहिए बिल्कुल 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 हमारी जैसी चलेगी। हाँ पतली दुबली। हाँ तुम्हारी चले। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर उस हिसाब से पैसे ज्यादा लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे बोलो? कम से कम 60,000 रुपए लगेंगे। 60,000? हाँ मैडम जी। और अभी जो ये आपने लिखवाया है, आपका नाम भुल्ला सिंह है। हाँ। तो आपके पैसे लग जाएंगे अभी फॉर्म के 5,000 रुपए। अच्छा। और 1 घंटे के अंदर जमा करने पड़ेंगे आपको। अच्छा जी जी, अगर आपको शादी करनी हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर 5,000 रुपए जमा कर दिएगा। हमारी फॉर्म फीस है। ये हमारी फॉर्म फीस। तो 5,000 रुपए फॉर्म फीस में लगी है। और आपको बीवी कल ही मिल जाएगी। कल मिल जाएगी? कल आ जाएगी आपकी बीवी सुंदर। बिल्कुल पक्का बोल रही है? अरे हम लोग आपको लूटने वाले नजर आ रहे हैं। ना ना देखो, लूटने वाले नहीं है। देखो किसी के मुंह पर थोड़ी नहीं लिखा रहता है कि वो हमसे लूट नहीं आया पैसे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अकेले तो है नहीं। चलो चलो ठीक है, हम तुम्हें 5,000 रुपए देंगे, 1 घंटा के अंदर 5,000 रुपए लेके आ रहा हूँ। और किसी को भी भेज। ठीक है मैडम जी, शादी करवा दी लेकिन मेरी। हाँ हाँ हाँ, पड़ रहा मेरी तो सुन ले, एक को समझाना पड़ रहा जी। दूल्हा नंबर 3 आप। हाँ, जी जी, जी बताइए आपका नाम बताइए। मेरा नाम मैडम चुल्लू है। चुल्लू जी मैडम। ये कैसा नाम है मैडम? माँ बाप ने रखा है जैसा भी नाम है। अरे सर आपने चुल्लू क्यों रखा, उल्लू क्यों नहीं रखा? मैडम ऐसा था, उस समय पानी चुचा रहा था चुल्लू, तो उन्होंने चुल्लू नाम रख दिया। माय गॉड जी।
क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या चुन के नाम रखा है, चुल्लू चुल्लू। बहुत प्यार से कहती है मेरी माँ बाप। इस पे तो एक वो भी है। अच्छा, कभी आपका झगड़ा होता है मम्मी से तो मैं कुछ बात पूछू? हाँ बताइए। तो आपकी मम्मी कभी बोलती है चुल्लू भर पानी में डूब मर? डूब मर नहीं मैडम, मैं अपने आप में कैसे डूब के मर जाऊंगा, कैसी बातें कर रही है। चलिए आगे मुद्दे पे आइए। बिल्कुल आप बताइए। अच्छा, नाम चुल्लू है, उम्र कितनी है? उम्र मैं अभी 17 का हुआ हूँ, मैं पिछले ही महीने 17 साल की हो। तुझे 17 का लग रहा है? क्या कह तुम्हें, कोई 17 साल, ओहो क्या बात है, फिर तो बहू भी तुम्हें 16 साल की चाहिए होगी। मैडम कम से कम हो तो आनंद ही आ जाए। कम से कम 1,00,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि 16 साल की भी तो होगी। 1,00,000? हाँ, देखिए मैं 1,00,000 के ऊपर, देखिए मैडम सुनिए, मैं तो कहता हूँ आप मेरे लिए बहुत ढूंढ के करेंगे क्या, 1,00,000 के ऊपर 10,000 रुपए ले लीजिए तो आपका हाथ ही मेरे हाथ में दे दीजिए। ये तो गलत बात है, हम अपनी जॉब करने आए, खुद की शादी कराने नहीं आए मैडम। और हम पढ़ी लिखी होकर शहर की लड़कियां कोई गांव में तो शादी करेंगी नहीं मैडम, पढ़ा लिखा तो नहीं। प्लीज आप तमीज में रह के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा सॉरी, ऐसा ना हो गुस्से में मैं आपका लिस्ट नाम ही काट दूं। अगर शादी करनी है तो आप उसी हिसाब से बात करिए। पर मैडम अब ये बताइए, 16 साल की लड़की मिल तो जाएगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, जब आप 17 के हैं तो लड़की तो हम 16 की देंगे। बस मैं तो यही चाहता हूँ की 16 की लड़की, 5,000 रुपए फीस लगेगी, वो तो हमने आपको पहले बता दिया था। हाँ तो आपको पास थोड़ा बहुत टाइम रह गया है जी, 1 घंटे में कुछ वो जो लोग आए थे और आप सब मिलके हमें पैसे जी 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 ठीक है, ठीक है मैं जल्दी से जल्दी पैसों का, हाँ लिखवा दिया लिखवा दिया, पैसों का इंतजाम कर दिया था। मैडम आप यहीं बैठिएगा जी, बिल्कुल नाम भी क्या बात है, बड़ा ही बटक रहा है भाई, अब तो मजे आने वाले, जिंदगी के अच्छे दिन खुल जाएंगे हमारे, आनंद आ जाएंगे, सुगंध फूल लग रहे हैं। अब मैंने तो हार भी बाहर से मंगवाया। चाचा अब मैं तुमसे चाचा कहूँ क्या कहूँ, अब तू भैया बोल लिया कर मुझे। भैया बोल लिया कर, 16 साल का लौंडा तुमसे भैया बोलेगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहू आएगी, बहू आएगी, अरे अरे सुनो यहाँ, अरे अरे बरात आ रही है, तुम्हारी बहू, अरे मान जाओ ससुर, रामलाल चाचा की भी आएगी, बुल्लन बुल्लन चाचा की भी आएगी, तू और मैं नाचूंगा ठहर के। ऐसा तो ना मट्टी फट्टी की ला रहे हो बना के, कोई तुम्हारे लिए बेकार की बात मत करिए। आप तो बेकार है, आप तो सब बता दूंगा, इतने जूता परंगे सारे, तुम जो लट परंगे सुहागरात पे दूध मिलता है गिलास में, हाँ मुझ पी लीजिए दूध थोड़ी देर और देखो, हाँ देखो देखो आ रहे होंगे, ऐसे वो आप गोवा गाड़ी में आ रही थी, फूल पड़ रहे गाड़ी। वैसे वैसे जी निकल गई। वैसे चाचा एक बात बताओ, तुम्हारी पहले शादी हुई थी कब? मेरी शादी आज तक नहीं हुई, मैंने बस देखी है शादी होती कैसे। मैंने तो आज तक लड़की नहीं देखी ढंगी, मैं पहली बार जय वाला डालूंगा। बस आ जाए अरे मेरा तो मन गदगद हो रहा है। अब कितने घंटे लगेंगे यहाँ आने में? ये मुझे तो मालूम नहीं, मैं भी तो आपके साथ इंतजार ही कर रहा हूँ। तू ही लेके आया था मुझे, अगर मरवा तो ना दियो तुमने हमें। मरवा तो ना दियो। बहू आएगी सज सबर के, तुम्हारे लिए गिलास में दूध लेके आएगी बादाम वाला। कौन सा ही, कौन कितने घंटे वाला ऐसा लगता रहा है। बताओ चाचा मुझे भी अब ऐसा ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, आ क्यों नहीं रही है? ऐसे जवान मत चलाए मेरे सामने, ठगवा दियो हमें, पैसे दिए मैंने तो पैसे मेरे नहीं गए, तेरी वजह से मैंने अपने बकरे बेच दिए। नहीं जैसे मेरे पास तो पेड़ था पैसों का, मेरे पट्टे पट्टे। और ताऊ सुन लो, अगर अरे 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 अरे
देखो इसकी करतूत सुनो, क्या है? हमें बुला के ले आया कि हम मुझे बहू दिलवाएगा, अब ये माला मैं इसकी डालूंगा। हाँ, फिर क्या मेरे संग क्या करोगे बहू बना के? जगते लुगाई बन जाएगी फिर, हैं? तो लुगाई चाहिए हैं, मैं जब ही कह रहा हूँ ससुरे मान जाओ, कहूंगा या नहीं तो कहीं पैसा दे दो। चुप रहो, मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मुझे बहू चाहिए, मैं जाऊं मानूंगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पागल पागल है वो, का तेरे दिमाग सही है? मुझे दुनिया में जीना है आ रही, और तुम गए जा भर में, मैं भी नहीं जूंगा तुम्हारा पैसा। लुगाई के लिए मरे जा रहे, ऐसे को लुगाई मिलते हैं? सुजे सुजे समझ रहे, अबे जाओ ना।